तो आप गृह मंत्री होते आप क्या करते? मैं कहता हूँ मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ। आप कहते हैं केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया, आप क्या करते? मैं कहता हूँ मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ, मैं उस दायरे तक ही सोच सकता हूँ, उससे आगे। फिर आप क्यों कहते हैं कि केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया? आपका कोई प्लान होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए भाई। क्या हुआ उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या करते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो हो गया उसका एनालिसिस तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। नहीं, पर जैसे बीजेपी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ट्रूप्स मूव करनी चाहिए, अग्रेसिव हार्डलाइन पोस्चर होना चाहिए पाकिस्तान को लेकर, तभी ये लोग मानेंगे, क्या आपको लगता है उस बात में दम है आपके पार्टी प्रेसिडेंट का ये कहना है? मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को वही भाषा में समझाना चाहिए जो भाषा में वो समझे। क्या है वो भाषा? वो पाकिस्तान जो भाषा समझे वो भाषा तो नहीं समझ रहे वो लोग। जो उसलिए जो जहां बैठा है, अटल जी ने प्रेम की भाषा भी की और करगिल में उनको खदेड़ भी दिया, जो भाषा जब समझे उस भाषा का उपयोग कर। आप ये मानते हैं कि प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं पाकिस्तान? वो आप इतने टेंशन में क्यों रहते हो? आप आपने तय किया हो वहां तो मुझे बोलना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, देखिए भाई आप जो तय करके आए हो दिल्ली से, मुझे जब तक वो बात को बोलूंगा नहीं तब तक लोगों का समय बर्बाद करते रहेंगे क्या? लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंसिडेंट दैट्स बीन अ लॉट इन द न्यूज, द कांधार हाईजैकिंग। डू यू थिंक इट वॉज राइट टू हैव फ्री टेररिस्ट? आप मीडिया वालों को पूछो क्या किया था मीडिया वालों ने। आप हर चीज मीडिया पे क्यों डाल देते? इसलिए उस समय क्या किया था आपको याद होगा कि मीडिया ने जो परिवार आतंकवादियों के कब्जे में थे उनके परिवारों के दिल्ली में सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरव्यू ले रहा था, उन सबको इकट्ठा कर रहा था, देश भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही खबरें दिखा रहा था कि भारत के लोग डर गए हैं, ये परिवार कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लाओ, और मीडिया ने एक बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया था। ये अच्छी बात है, इस घटना के बाद मीडिया की इंटरनल मीटिंग हुई थी, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में रहता था और सबने रियलाइज किया था कि कंधार के समय हमने जो मीडिया कवरेज दिया उससे आतंकवादियों का हौसला बुलंद हुआ था। ये चीज देश को भूलनी नहीं चाहिए, मीडिया का लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। नहीं, आप तो मीडिया पे दोष दे रहे हैं, फैसला तो नहीं रहा था, मतलब मीडिया ने जो कहा था वो मैं कह रहा हूँ। आतंकवादियों को दूसरी बात है, दूसरी बात है, विमान कहाँ से हाईजेक हुआ? नेपाल से। नेपाल से विमान कहाँ गया? अलकायदा और तालिबान के अड्डे में। अंदर कौन थे? देश के निर्दोष नागरिक थे। भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सबका कॉन्सेंस यही आया कि भाई निर्दोष नागरिकों को छोड़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। दैट वॉज अ कॉन्सेंसस, ऑल पार्टी मीटिंग थी, कांग्रेस वॉज देयर। लेकिन सवाल ये चरारे शरीफ का जवाब दो ना भाई, चरारे शरीफ से आतंकवादियों को पाकिस्तान जाके छोड़ के क्यों आए थे? उन्होंने तो कोई बंधक नहीं बनाया था। सुन लीजिए, मैं देश की चर्चा कर रहा हूं, उस समय की सरकार की चर्चा कर रहा हूं। चरारे शरीफ में 5 आतंकवादी और वो भी बहुत बड़े कमांडेंट थे, आप उनको पाकिस्तान छोड़ करके क्यों आए थे? चलिए चरारे शरीफ में जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो कांधार में हुआ क्या वो भी? पहली बात मुझे बताइए ना, आप हिम्मत के साथ उस समय क्यों नहीं आए कांग्रेस के लोग कि भाई देश के निर्दोष 150 लोग मरे तो मरने दो? उस समय कांग्रेस ने स्ट्रांग था नहीं, फैसला तो आपको लेना। सवाल मैं अभी विपक्ष चर्चा कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, उस समय विपक्ष कहां खो गया था? मैडम सोनिया जी तब भी थी, मनमोहन सिंह जी तब भी थे, उन्होंने देश के सामने ये उस समय क्यों नहीं कहा कि निर्दोष लोगों की चिंता छोड़ो, हवाई जहाज को उड़ा देने दो, मारने दो, देश निपट लेगा? ये आवाज क्यों नहीं हुई? आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी का फैसला था ना छोड़ने का? बीजेपी ने जो फैसला किया था देश के सामने था कि नहीं था? मैं ये कहता हूँ अगर ठीक था गलत था कांग्रेस उस समय क्यों नहीं बोली? पर फैसला ठीक था कि नहीं? चलिए कांग्रेस ने जो फैसला ठीक था गलत था उस समय बोलना चाहिए था कि नहीं? आपके हिसाब से फैसला ठीक था? मैं वो कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ ठीक था गलत था उस समय कांग्रेस मौन क्यों रही? क्या देश ने कांग्रेस का हिसाब नहीं मांगना चाहिए? आप भी पूछ रहे थे क्यों सोते नहीं तो देश को उसी तरीके से इसका मतलब उस समय इसका मतलब उस समय का जो माहौल होगा कांग्रेस के लिए जरूरी था कि सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ कुछ न बोलना, ये कांग्रेस ने भी माना होगा तभी तो चुप रहे होंगे, कोई उदारता तो नहीं बरती होगी। आज वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि भाई तुम उस समय चुप क्यों थे? इसमें तो जवाब जिन्होंने किया वो तो खुला है, सरकार ने जो किया था आप तो शायद नहीं करते ये। मैंने कहा मैं गुजरात में हूँ, नहीं पर जो हुआ मैं गुजरात में हूँ, मेरे अक्षरधाम में आए कांग्रेस को आप कहता बताइए, मेरे गुजरात में अक्षरधाम में आतंकवादी आए मार गिराए, उनको जिन्होंने मदद की कोर्ट के अंदर उनको फांसी तक की सजा दिलवा दी, गुजरात ये करता है। मेरे यहाँ भी बम धमाके हुए, सारे देश में सबको उनको पकड़ के ले आया, मैं अच्छों को पकड़ के लाया, केस चल रहा है,
उनको भी सजा दिलवा के रहूंगा। गुजरात क्या करता है वो आपके सामने है भाई। आज ही एक काफी बड़ा सर्वे हुआ है देश के बड़े अखबार में, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को जनता केंद्र में देखना चाहती है, गृह मंत्री के तौर पे, रक्षा मंत्री के तौर पे। क्या नरेंद्र मोदी खुद को दिल्ली में देखना चाहते हैं? मैंने कहा ना, एक मैं मेरे गुजरात को दुनिया में सबसे ऊंचा देखना चाहता हूं, मैं मेरे गुजरात के माध्यम से मेरे हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे देखना चाहता हूं, और उसके लिए गुजरात ने जो करना चाहिए जितना अच्छा कर सके वो करते रहना चाहिए, इतना ही मेरे दिल दिमाग में चलता रहता है। दिल्ली में बैठ के भी आप गुजरात की मदद कर सकते हैं, जनता देखना चाहती है। अभी हम लोगों ने देखा अखबार में, लोग देखना चाहते हैं आपको केंद्र सरकार। मैंने कहा ना, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री वो राष्ट्रीय परिदृश्य में ही काम करता है, उसके बाहर होता ही नहीं, वो कभी भी संभव नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट का भी, छोटे स्टेट का भी मुख्यमंत्री होगा, वो भी राष्ट्रीय ही परिदृश्य में ही काम करता है। नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। धन्यवाद भैया, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।